Hello and welcome back to Coding with Anand. Today I will show you my new project of bookstore. This is my new project based on PHP. But if you are looking for this technology, you or different technology, you can connect to me. I can create this project in Django, Python, and .NET, Java, whatever technology you are looking for. So let's start with this particular project. So basically, इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास एक टैम्पलेट है, मैंने वो डाउनलोड करके थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. ये थोड़ा सा बुक स्टोर के ऊपर है. बुक स्टोर में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास तीन टैब्स हैं. होम, जिसमें हमारे ये स्लाइडर और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है. प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे विद सम फिल्टर्स एज वेल. सो दे फिल्टर, दीज फिल्टर्स आर वर्किंग ऑल्सो. So let's suppose I am looking for this particular category, then the list will be updated automatically. Database, then the database books are available. Web designing, then web designing books are available. Basic computers, networking, whatever category have books, and then we can access it. And also if we are looking for all products, we can click on this one, then it will display it. And also this filter is also working. Let's suppose I want to find out all those books that are greater than this one. Let's apply. Fine. So these books are 1000 and 1100. So that means our filter is working in the best way. So this is publisher based. Let's suppose we want to see only the BPV books. Let's see. Wow. So these are BPV books. Okay. So if we are looking for ऑक्सफोर्ड प्रेस, सो ये हमारे पास जो है पब्लिशर्स हैं, जिन पब्लिशर्स को हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं. सैम्स बुक, तो ये हमारी सैम्स की बुक है. तो जिन भी पब्लिशर्स को हम ऐड करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कैटेगरीज बढ़ती चली जाएंगी. ऑथर्स, लेट सपोज मैं अपनी कुछ बुक्स दिखा देता हूँ. वैसे ये बुक मैंने नहीं लिखी है, मैं पहले ही बता दूँ, बिकॉज एनी वन कैन क्लेम कॉपीराइट इशूज. मैंने, मेरी बनी हुई बुक नहीं है. रैपिडेक्स मेरा नहीं, फोटोशॉप मेरा नहीं, वैसे मैंने कोई बुक लिखी ही नहीं है. सो दिस इज़ पी के सिन्हा. ये पी के इसने लिखी थी को बुक. पी के सिन्हा जो है हमारे पास, एक अच्छी बुक है काफ़ी. तो ये हमारे पास काफ़ी बुक्स की कैटेगरीज हैं इन द सेंस. और ये यहाँ पर दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इन बुक्स को देख सकता हूँ. ये हमारे पास कुछ कैटेगराइज हो चुकी हैं, वेरी नाइस लुकिंग. एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसको हम लोग देख सकते हैं, वेरी नाइस. वी कैन डू दिस वन एज वेल. ओके, सो ऑल द बुक्स आर देयर. सो ये हमारे पास तीन तरह का हमारे पास लुक है जिसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. सो दिस इज़ द होल थिंग. सो लेट स्टार्ट विद अदर थिंग्स. दिस इज़ कॉन्टेक्ट अस पेज, नथिंग इज, दिस इज़ कम्प्लीटली स्टैटिक. देर इज नो बेसिकली सेविंग ऑफ एनी अदर थिंग. वी कैन चेंज द एड्रेस. सो लेट्स टॉकिंग अबाउट लॉग इन एंड रजिस्टर. द होल बोथ पेज आर सेम, यू कैन सी. And this is the categories. These are dynamic in nature. Whatever categories we are adding in our dashboard, that will be visible on this list. So, तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. तो यहाँ पर हम लोग न्यू कस्टमर हैं या एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, डिपेंड्स ऑन दैट वी कैन लॉग इन और रजिस्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन. मैं एडमिन में जाता हूँ और एडमिन में जा कर के हम लोग देख लेते हैं. मेरे ख्याल से मैं पासवर्ड गलत एंटर कर रहा हूँ. ओके, हाँ, यहाँ पर admin@admin.com. और लेट्स सी इनवैलिड यूज़र नेम, पासवर्ड बिल्कुल सही, admin@admin.com. दैट मीन्स ये मेरे नाम से खुलेगा, एडमिन. सो वेरी नाइस. यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा सा बुरा लगने वाला टेम्पलेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये इस थीम को कॉपी करने की कोशिश की थी. सो इसमें कोई डैशबोर्ड नहीं था, तो मैंने ये डैशबोर्ड अपने आप से बना दिया था. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर देयर, कैटेगरीज, ऑथर्स एंड पब्लिशर एंड टूडेज ऑर्डर. अभी तो कोई ऑर्डर हमने किया ही नहीं है. So this is the dashboard and this is categories. The navigation bar available on this side, the left side bar, and on the top of this section as well. So ये हमारे पास categories हैं. अगर आप कोई नई category add करना चाहते हैं, let suppose I want to add hardware book. Hardware, no, hardware is not looking that. So हम कहते हैं data science. Okay, data science books. Fine. सो मैंने यहाँ पर डेटा साइंस की कैटेगरी ऐड कर दी. एंड यू कैन सी दैट देयर आर नो बुक्स इन दिस सेक्शन. सो लेट्स सी, तो यहाँ पर क्या क्या होता है. हम लोग प्रोडक्ट में जाते हैं. हालांकि आप जाएँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरीज इंक्रीज हो चुकी है. प्रोडक्ट्स में हम जाते हैं और देखते हैं बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास.
बुक की कहानी है। चलिए हम लोग एक बुक ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। मैं सबसे पहले कुछ फ़ोटोज़ देख लेता हूँ, कुछ कवर फ़ोटोज़। तो मैंने यहाँ पर बुक डाली थी कौन सी वाली, डेटा साइंस की। तो लेट्स गो टू डेटा साइंस बुक। सो मैंने कहा डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। ओ पाइथन हो गया यार, कोई नहीं, यहाँ पर हम लोग इसे पाइथन वापस से कर लेते हैं और हम इसके आगे लिख देते हैं बुक। सो यहाँ पर हमारे पास बुक्स आएंगी, बहुत अच्छी है। देखो कितनी प्यारी बुक है। इस बुक की राइटर ऑस्टिन स्क्रैच है, कोई बात नहीं, मैं इसका कवर सेव कर लेता हूँ। और एक तो हो गया कवर और एक हो गया बुक। तो बुक क्या करेंगे हम लोग, एक छोटा सा काम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा। और मैंने कहा PDF, दैट्स इट। आई थिंक यही दो चीज़ें वो मांग रहा था हमसे, बुक PDF और कवर फ़ोटो। कवर फ़ोटो हम ले चुके हैं और मैं देख लेता हूँ कुछ छोटी मोटी, कोई भी छोटी मोटी आइटम हमारे पास पड़ी हो। लेट्स सी, कोई भी, चलिए देख लेते हैं, छोटी सी बुक है कोई। थैंक यू, जल्दी से हो जाओ। वेरी नाइस, 548 पेजेस। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली कौन सा पब्लिशर है ये, जुपिटर ओरेली, ओरेली का है ये जो बुक है ना। तो हम लोग इसे सेव कर लेते हैं और वी कैन डू वन थिंग कि हम लोग इसके ना दो तीन पेजेस वाली सेव कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कहा ऑल पेजेस तो नहीं, हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं। मैंने कहा 1 to 10 पेजेस मैं इसकी सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी बुक सेव नहीं करना चाहता। मुझे ये आपको दिखानी भी है कि ये बुक हमारी वाकई में काम कर रही है। सो लेट्स सी फर्स्ट, यहाँ पर आते हैं हम लोग, पाइथन की बुक को डाउनलोड कर लिया और कवर फ़ोटो पे जाते हैं। तो ये हमारा कवर फ़ोटो हो गया और हमने यहाँ पर कहा पाइथन डेटा साइंस, आई डोंट नो क्या सही है इसमें। यहाँ पर आकर डेटा साइंस चूज़ कर लेता हूँ। बुक का ऑथर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यहाँ पर उस बुक का ऑथर कोई था तो सही यार, अजीब सा ही था, मतलब कुछ सीन ना उसका ऑथर। चलो इस वाले को उठा लेते हैं, जेक वेंडर प्लस। ये बहुत ही वेंडर प्लस PLS जो भी है। तो यहाँ पर पब्लिशर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ओरेली। देखिए आप यहाँ पर दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता चला जाएगा। 2020 ले लेते हैं और ISBN नंबर, ये 13 डिजिट का नंबर हम लोगों को देना है। और डन। ओके, सो ISBN नंबर इज़ कम्प्लीट। इसकी कॉस्ट हम ले लेते हैं 600 रुपीज़, डिस्काउंट प्राइस काट के देंगे 550, ज़्यादा कम तो नहीं कर दिया, ठीक है एकदम। यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं बुक को, बहुत बढ़िया, हमारे पास एक बुक आ चुकी है। लेट्स गो टू डैशबोर्ड एंड लुक, पब्लिशर इंक्रीज़ हो गए, ऑथर इंक्रीज़ हो गए। ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा कि सब कुछ इंक्रीज़ हो गया, वो हम बाद में देखेंगे कैसे कैसे होगा। कस्टमर्स जब बाहर से रजिस्टर होंगे तो यहाँ दिखाई देंगे, उनके पासवर्ड भी दिखाई देंगे। ऑर्डर्स, अगर कोई ऑर्डर प्लेस होगा तो वो यहाँ दिखाई देगा, आप सेलेक्ट करके उस ऑर्डर को कन्फर्म भी कर सकते हो एनी टाइम। सो हम आगे इसको प्रोसेस को पूरा देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये चेंज पासवर्ड है, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो लेट्स गो टू लॉग आउट एंड ट्राई टू रजिस्टर न्यू यूज़र। तो मैं यहाँ पर एक अच्छा सा यूज़र सर्च आउट कर लेता हूँ। इस बार मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ अमिताभ बच्चन को, क्योंकि अनिल कपूर से वो बहुत लोग कंप्लेंट करने लग गए हैं। amit@gmail.com, अमिताभ ही कर देते हैं, BH अमिताभ। और इसका पासवर्ड हम दे देते हैं, मेरे नाम से ही बना देते हैं, अभी कौन सा कुछ करने वाला है ये। तो यहाँ पर मैंने इस यूज़र को रजिस्टर कर दिया। नाउ यू कैन सी अमिताभ बच्चन इज़ हेयर, लॉग आउट करने के लिए तैयार है। और यहाँ से लॉग इन, लॉग आउट के बटन गायब हो चुके हैं। वन मोर टैब इज़ रेडी, डैशबोर्ड पर जाते हैं और हेलो अमिताभ बच्चन, ये पता नहीं क्या मैसेज आ रहा है। तो ऑर्डर्स इसने कुछ किया नहीं, डाउनलोड ये कुछ कर सकता नहीं, एड्रेस इसका कुछ है नहीं, अकाउंट डिटेल मैंने यहाँ पर अपडेट करनी नहीं है। लॉग आउट करके हम लॉग इन कर लेते हैं। सो लॉग इन करने के लिए हमें क्या करना है, amitabh@gmail.com और पासवर्ड, दैट्स लॉग इन, फाइन। सो ये हमारे पास लॉग इन कर चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट्स में जाते हैं और कुछ अच्छी अच्छी सी बुक्स को देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पर आकर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक डेटा साइंस की कैटेगरी ऐड हो गई है। दूसरी चीज़ हमें जो यहाँ पर नज़र आ रही है, ओरेली यहाँ पर ऐड हो चुका है। तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर नया जो यूज़ वो बनाया था, ऑथर बनाया था, वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। पुराने सब का वहाँ पर वो रेफरेंस नज़र आएगा, मैंने डेटा लिस्ट कंट्रोल यूज़ किया है जो HTML5 में आया है। सो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है इसमें। सो चलते हैं हम आगे की तरफ। हम लोग यहाँ पर आते हैं तो जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ, मेरे पास डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो ये हमारे पास सीधा कैटेगरी में ऐड करने के लिए होता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरा अपने आप से ऐड हो गया।
दूसरा, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये डेटा साइंस वाली बुक सिर्फ देखनी है, जस्ट क्लिक ऑन इट, वेरी नाइस। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, आप यहाँ पे दो लिखेंगे ना, दो क्वांटिटी ऑर्डर हो जाएंगी। आई डोंट वांट टू डू दिस, तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्लिक ऑन ऐड। नाउ लुक, दो कैटेगरी आ चुकी है। ये इस टेम्पलेट का बहुत अच्छा वाला पार्ट मुझे लगा था, जो इसमें ये चीज़ नज़र आ रही है। और मैं यहाँ व्यू कार्ड पे जाके व्यू कार्ड डायरेक्ट भी कर सकता हूँ और सीधा चेकआउट भी कर सकता था, जो वहाँ पर भी नज़र आ रहा है मुझे। ये चेकआउट यहाँ पर भी है, अब यहाँ से भी कर सकते हैं। बट लेट सपोज आपको ये बुक अच्छी नहीं लग रही, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, डिलीटेड। चलिए हम एक काम और कर लेते हैं, हम लोग वापस से प्रोडक्ट में जाते हैं, एक बुक और चूज़ कर लेते हैं। लेट्स सी, आपकी बार देख के खरीदेंगे। चलो मैं आपकी बार ये भी दिखा देता हूँ, दो कर लेते हैं। ओके फाइन, नाउ वी आर रेडी, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर दो लिखा रहा है, इसका मतलब दो क्वांटिटी है। मेरे को यहाँ एक्स भी लगाना था एक्चुअली में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आकर के हमारे पास ये प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं, और मैं व्यू कार्ट में जाता हूँ तो मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, दो क्वांटिटी वगैरह वगैरह। और यहाँ पर हमारा पूरा बिल बन के तैयार हो चुका है कि ये बिल है और कॉस्ट हमारी ये मिल रही है और ये हमारा टोटल बिल बन के तैयार है। बाकी नीचे फालतू आइटम है। चेकआउट पर क्लिक करते हैं, चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो एक बहुत बढ़िया वाली चीज़ नज़र आएगी आपको यहाँ, कंप्यूटर फंडामेंटल बाई टू, आप कितनी हुई और वगैरह वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। पूरा हमारा टोटल दिखाई दे रहा है। एड्रेस अगर आपको फिल करने का मन है तो आप फिल कर सकते हैं, टेम्पलेट का पार्ट है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। सो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ मैं, आई हैव रीड दिस टर्म्स एंड कंडीशन, लेट्स प्लेस इट। ओके, सो दिस इज द बिल, ये आपको बिल है, आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं, ये प्रिंट भी निकलेगा। ओके, अगर आपके पास प्रिंटर है तो। यहाँ पर आकर के हमारे पास क्या हो गया, हमने ये बिल बना करके रख दिया है। इस टैब को क्लोज कर देते हैं अगर प्रिंट ले चुके हो तो, और अब आप डैशबोर्ड पे जाइए। लेट सी द ऑर्डर्स, वाओ, यू कैन सी द ऑर्डर्स, ये दोनों बुक ही ऑर्डर की थी हमने, बहुत बढ़िया। यू कैन कैंसिल द ऑर्डर जब तक आपका वो कन्फर्म नहीं हो जाता। डाउनलोड तो अभी आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपने खरीदा नहीं है, अभी पूरी तरह से वो कन्फर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आकर हमने ये सारा काम कर लिया, लेट्स लॉग आउट। अब बात करते हैं एडमिन पैनल की, तो एडमिन एट द रेट एडमिन डॉट कॉम, यहाँ पर हम लोग पासवर्ड देते हैं और चलते हैं अंदर। ऑर्डर, आज का ऑर्डर हमारे पास आ चुका है, तो लग जाते हैं उस ऑर्डर की पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास दिखाई देगा कि अमिताभ बच्चन ने एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्डर दिया है, काफ़ी अच्छा ऑर्डर दिया है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अच्छा ही ऑर्डर है, इससे भी बड़ा ऑर्डर पहले अमित ने दिया था। सो लेट सी, सेलेक्ट इट, ओके लेट सेलेक्ट इट, फाइन। तो हम लोग यहाँ पर आकर इसे कंफर्म कर देते हैं, और जैसे ही मैंने इसे कंफर्म किया, ऑर्डर कंफर्म हो गया है 67 नंबर का, और हमारे पास ऑर्डर कंफर्म हो गया है तो हम यहाँ देख भी सकते हैं कंफर्म हो गया है। सो लेट्स गो टू आवर लॉगिन। सो यहाँ पर उसका हमारा यूज़र आईडी था amitabh@gmail.com एंड पासवर्ड इज़ माई नेम, लेट्स सी। सो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं, और डैशबोर्ड में जाकर अब हम देखते हैं, वाव, हमारे पास कंफर्म ऑर्डर स्टेटस हो चुका है, और देखें कैंसिल ऑर्डर अभी भी आ रहा है, दैट मीन्स मैंने अभी यहाँ ई फाइल्स नहीं लगाए हैं। ओके, सो यहाँ पर आकर हम लोग डाउनलोड पर जाते हैं, वाव, वी आर रेडी टू डू। अब इसमें यहाँ पर दो बटन मैंने बहुत प्यारे प्यारे लगाए हैं। पहला बटन आपसे कहता है कि आप इस बुक को डाउनलोड कर लो, बटन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कहता है कि देख लो इसे, लेट्स सी, मैं देखता हूँ इसे। तो ये यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, दैट्स वाई मैंने सिर्फ इसके 10 पेज लिए थे। ओह, मुझे लगा ये वाइट हो गई, चलिए कोई नहीं, वो गलती से थोड़ा सा इल्यूशन टाइप में हो गया था मुझे। सो दीज आर, यू कैन डायरेक्टली रीड दिस बुक फ्रॉम दिस, और आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट, और आप इसे सेव कर सकते हैं, फाइन। सो ये हमारे पास पूरा सिस्टम है इसका, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर इस तरह से क्रिएट किया था, जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। द ओनली थिंग रिमेनिंग इज़ कि मैंने यहाँ पर कैंसिल का ऑर्डर दिखाई दे रहा है, इस फंक्शनैलिटी को हम ठीक कर लेंगे। इफ़ यू लाइक दिस प्रोजेक्ट प्लीज़ लेट मी नो, सम कमेंट्स विल बी देयर ऑन माई वीडियो। और अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं तो आप मुझे बताते रहिए। कुछ न्यू चेंजेस अगर आप लोग चाहते हैं इन प्रोजेक्ट्स में करना, तो मैं उसे भी करके आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स को मैंने अपडेट और एनहेंस किया हुआ है, यू कैन कनेक्ट टू मी एनी टाइम। सो वी विल मीट अगेन विद सम न्यू प्रोजेक्ट, मैं जल्दी ही आपको इस बार कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ मिलूंगा। नेक्स्ट वीक हमारे पास और भी बहुत से प्रोजेक्ट होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।